नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिकबैट, ओनली टेक। यार, अगर आप एक फोन खरीदना चाहते हैं और आपका जो बजट है वो 8000 रुपए तक ही है, यानी आप 7 से 8 हजार रुपए तक का कोई फोन लेना चाहते हैं और आपके दिमाग में यह है कि आपको मिल जाए एक 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन, इसके अलावा आपको मिल जाए स्नैपड्रैगन 626 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल के 2 रियर कैमरे और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 4000 mAh की बड़ी बैटरी, तो यार आप सोचोगे ऐसा फोन मिल सकता है क्या, वो भी मात्र 7 से 8 हजार में? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। एक फोन है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि यही फोन आप परचेज करें अगर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए और आपका बजट कम है। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यार, थोड़े दिन पहले अमेजोन का एक टेनोर D2 फोन लॉन्च हुआ था जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये फोन आपको परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन मैंने आपको उसी वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपको टेनोर का फोन लेना है और 7 से 8 हजार में बहुत ही अच्छा फोन लेना है तो यार आप टेनोर G परचेज कर सकते हैं। और उस वक्त मेरे हाथ में टेनोर G नहीं था, लेकिन अभी मेरे हाथ में जो है टेनोर G आ गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको जो डब्बे के अंदर मिलते हैं कंटेंट, वो एक तो फोन मिलता है, काफी अच्छा गुड लुकिंग फोन है, इसके बाद आपको चार्जिंग अडैप्टर मिलता है, एक USB केबल मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, ईयरफोन इसमें नहीं मिलता है। दोस्तों, ये है टेनोर G मोबाइल आज हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में हटाते हैं। यहाँ पर ये जो है यूजर मैनुअल इसका मिल जाता है, इसको हम हटा देते हैं और ये जो बॉक्स है इसमें आपको अडेप्टर मिल जाता है, चार्जिंग अडेप्टर, सिम एजेप्टर टूल और ये USB जो है केबल मिल जाती है। अभी बात करते हैं मेन कंटेंट की। दोस्तों, ये है हमारा मेन कंटेंट, यानी कि टेनोर G स्मार्टफोन, 5.5 इंच की जो है डिस्प्ले, फुल HD आपको डिस्प्ले मिलती है, आगे यहाँ पे मिलता है LED फ्लैश, यहाँ पर आपको जो है सुनने के लिए स्पीकर और ये सेल्फी कैमरा है जो कि 16 मेगापिक्सल का है और ये सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट लगा, जब हम मोबाइल को ऐसे पकड़ते हैं तो हैंडी हमारा जो ऑटोमेटिकली जो अंगूठा है वो यहाँ पर ही आता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि आदत आपको पड़ जाएगी एक दो दिन में। इसके बाद जो बात करें टाइप सी का, इसमें नहीं दिया गया है, नॉर्मल चार्जर्स में लगेगा और स्पीकर यहां पर जो है दोनों तरफ दिए गए हैं। इसके बाद बात करें तो वॉल्यूम रोकर और पावर ऑन ऑफ हो ही गया। इसके बाद बात करते हैं यहां की और ये हमारी सिम ट्रे, हम सिम इजेक्टर टूल से इसको ओपन करते हैं। यहां पर एक हल्की सी छोटी सी कमी है बस इसके अंदर कि यहां पर जो है आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप अपने 2 सिम भी लगा सकते हैं, यानी कि ये एक हाइब्रिड स्लॉट आपको यहां मिल जाता है। यहां पे आपको डबल जो है कैमरा मिलते हैं जो कि 13 मेगापिक्सल के 2 कैमरा है, LED फ्लैश यहां पर मिल जाता है डुअल और यहां पर जो है फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है ईयरफोन लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पीछे से ग्रे है, मेटेलिक बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं काफी अच्छी है, मोटाई भी इस फोन की जो है ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिंगरप्रिंट से मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर मैं इसको स्मूथ एकदम टच है, इसका टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटिंग हम जाते हैं, इसमें तो आपको मिल जाता है वॉलपेपर चेंज करने का, वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, डाटा, डिस्प्ले, सब कुछ इसमें मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर इसमें अगर आप लेना चाहें तो आप 4GB RAM 64GB वाला वेरियंट भी आप ले सकते हैं जो कि आपको 10,000 की रेंज में पड़ेगा, बाकी यही वाला ठीक रहेगा अगर आपका बजट कम है तो। और इसमें जो एंड्रॉइड का जो है वो आपको मिल जाता है नूगट, एंड्रॉइड नूगट के साथ जो है ये आता है। और अबाउट फोन हम देख लेते हैं, एंड्रॉइड नूगट में आ जाता है ये और ये आप देखिए 7.1.2। तो ये जो फोन है काफी अच्छा फोन है, बजट सेगमेंट में काफी मजबूत फोन है, बैटरी इसके अंदर 4000 mAh की जो है मिल जाती है और बैटरी बैकअप इस फोन का काफी अच्छा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका वाकई में बजट 8000 रुपए तक है तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं निश्चिंत होकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छा प्रोसेसर है इसका, काफी अच्छी बैटरी है, काफी अच्छी इसकी डिस्प्ले है और कैमरा भी ठीक ठाक ही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कोई और फोन है इस प्राइस रेंज में तो आप कमेंट में जरूर बताइए और इस फोन के बारे में आपके क्या विचार है, क्या आप ये फोन परचेज करेंगे, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि तभी आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।